हमारे घर पे एक मेड काम करती थी जो कि इंडोनेशिया से थी। एक रात जब करीब 2 बज रहे थे, सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक मैंने और मेरे भाई ने हमारी मेड के रोने की आवाज़ सुनी। वो बहुत धीमी आवाज में रो रही थी। ये देखकर हमने सोचा शायद वो अपनी फैमिली को याद करके रो रही होगी जो कि इंडोनेशिया में रहते थे। इसलिए हमने कुछ नहीं किया और सोने चले गए। अगली रात करीब 2 बजे हमारी मेड फिर से रो रही थी। ऐसा लगातार 3 महीनों तक चलता रहा। वो रोज रात को रोती थी। फिर हमने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने भी यही सोचा कि शायद वो अपनी फैमिली को याद करके रोती होगी। एक रात खाना खाने के बाद लगभग 9 बजे मैं और मेरा भाई लिविंग रूम में खेल रहे थे और हमारी मेड किचन में सफाई कर रही थी और मेरे डैड किचन की लाइट को ठीक कर रहे थे। तभी अचानक मेरे डैड ने देखा कि कोई शैडो स्टोर रूम की तरफ भाग रहा। मेरे डैड ने सोचा शायद हम दोनों में से कोई वहां खेल रहा होगा। तभी मेरे डैड ने मेरे भाई को बोला, क्या तुम स्टोर रूम से मुझे लाइट बल्ब लाकर दे सकते हो? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे डैड चिल्लाए और बोले, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? मुझे बल्ब चाहिए। तभी हमने डैड की आवाज सुनी और लिविंग रूम में से डैड के पास आ गए। डैड हमें देखकर शॉक हो गए और सोचा, अगर तुम लोग यहाँ हो तो स्टोर रूम में कौन? हम लोग बहुत डर गए और स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। हमने स्टोर रूम की लाइट ऑन की और देखा वहां पर कोई भी नहीं। हालांकि हमने अपनी मेड को देखा जो कि बहुत टेंशन में थी और वो फिर से रोने लगी। मेरे डैड ने उससे पूछा, वो कौन था और तुम रो क्यों रही हो? और हमारी मेड ने आंसर दिया कि वो उसका हस्बैंड था जो कि इंडोनेशिया से था। ये सुनकर मेरे डैड पुलिस को फोन करने लगे, लेकिन तभी उस मेड ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और उसने बोला, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक आत्मा है जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया था। ये सब सुनकर मेरे डैड उसे एक आदमी के पास लेकर गए जो कि भूत प्रेत से छुटकारा कराता था। और उस दिन के बाद हमने अपनी मेड को दोबारा रोते हुए नहीं सुना और इस घटना के 3-4 दिन बाद वो वापस इंडोनेशिया चली गई।